हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलएन जूनियर विंग। हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स क्लास 10th की और चैप्टर का नेम है डेवलपमेंट। सो यहाँ तक हम आ गए थे, लेट्स वर्क दिस आउट। तो जब आप देखते हो ना, एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में क्या फर्क होता है। डेवलप्ड कंट्री में आपको लगभग जो लोग होते हैं सारे के सारे अमीर और गरीब दोनों इक्वेलेंट होते हैं, ना तो वहां पर अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं ज्यादातर। बट डेवलपिंग कंट्री में आपको ये चीज देखने को मिलती है। एक जगह तो आपको जो लोग होते हैं उनके जो मकान है, जो उनकी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी आपको नजर आती हैं, और उनके आसपास आपको झुग्गी झोपड़ियां नजर आती हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इस न्यूज़पेपर में कटिंग छपी हुई है कि एक कंपनी क्या करती है, डंप कर देती है 500 टन जो होता है लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट हवा के अंदर। और कहां पर होता है ये काम सारा, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां पर एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम है अबिदिजान, और ओवरी कोस्ट है वहां पर अफ्रीका के अंदर जहां ये काम होता है। और ये जो वेस्ट होता है ना सारा का सारा, समुन्द्र के पास में डंप कर देते हैं इसको, और वहां क्या हो जाता है, हाईली टॉक्सिक जो वेस्ट होता है उससे जो आसपास रह रहे जो लोग हैं उनको बीमारियां फैल जाती हैं, डायरिया हो जाता है उनको, स्किन रैशेज हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो उनमें से 7 लोग की डेथ भी हो जाती है इसकी वजह से, जो डंप किया गया था कूड़ा कचरा वहां पर। और 20 हॉस्पिटलों में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है उनको, तकरीबन 26,000 जो लोग हैं, 26,000 जो लोग हैं वहां पर उनको पॉइजनिंग हो जाती है, सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उन्होंने डील की थी पेट्रोलियम्स मेटल्स को यहां पर डंप करने की सिप से। तो ये बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल यहां पर सेट हो रहा है कि इतना ज्यादा लोगों के साथ गलत हो रहा है वहां पर, और जो रिच फैमिली के लोग हैं, जो रिच कंट्री के जो लोग हैं, उनको रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी आपके इस काम से। ठीक है, आगे हम पढ़े यहां पर हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। अब जो डिफरेंट कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड में, जो स्टेट्स हैं, उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, यू माइट आस्क, डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप। देखो कुछ के लिए, देखो ये बात बहुत सिंपल है कि कुछ कंट्रियां डेवलप्ड है, कुछ अंडर डेवलप्ड के अंदर है। ठीक है, सो हम इसके बारे में और गहराई से जानेंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब डेवलपमेंट का मतलब कुछ लोगों के लिए जो है प्रोसेस का पार्ट होता है कि हाँ डेवलपमेंट हो रही है और उनको अच्छा लगता है, कुछ लोगों के लिए वही डेवलपमेंट जो है डिस्ट्रक्टिवनेस बन जाती है, विनाशकारी बन जाती है। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर, अगर हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, कुड हैव सिमिलैरिटीज वेल एज डिफरेंट विच एक्सपेक्ट। देखो कुछ लोगों के लिए ये बात रिपीट होती है कि हम उसको डेवलपमेंट माने या ना माने। ठीक है, अब किसी किसान के खेतों से सड़क क्रॉस हो रही है, सड़क उसको सरकार ने उसको अक्वायर कर लिया उसकी जमीन को, तो उसके लिए वो डिस्ट्रक्टिवनेस है, लेकिन और लोगों के लिए वो डेवलपमेंट नजर आती है। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास के अंदर कंपेयर करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को। ठीक है, डिफरेंट इन देयर हाइट। देखो क्लास के अंदर ना आप जब देखते हो हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग हाइट होती है, अलग ही उसके अंदर टैलेंट होता है, अलग ही उसको जो है हेल्थ होती है उसका इशू, इंटरेस्ट। अब देखो ऐसा तो नहीं है जो हेल्थीएस्ट जो स्टूडेंट है वो पढ़ने में अच्छा होगा, जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है क्लास के अंदर वो पढ़ने में अच्छा होगा, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। या फिर जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है क्लास के अंदर उसको बहुत फ्रेंडली बिहेव करता हो दूसरे फ्रेंड के साथ में, तो ये कोई क्राइटेरिया। देखो क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, किसी का हाइट का इशू है, किसी का हेल्थ का इशू है, किसी का टैलेंट का इशू है, लेकिन हम हर एक चीज को ना अलग अलग तोल के नहीं कर सकते, हमें एक बेसिक पॉइंट बनाना पड़ता है डेवलपमेंट के लिए कंपेयर स्टूडेंट्स। अब वही क्राइटेरिया अगर हम सोचें, डिपेंड्स अपॉन पर्पज ऑफ द कंपेरिजन। देखो वो जो डिफरेंट स्टूडेंट्स है वो टीम में काम करते हैं या नहीं, स्पोर्ट्स उनके अंदर स्पिरिट है या नहीं, म्यूजिक टीम में, तो हम ना इन सभी चीजों में से ना कुछ चीजें फिल्टर कर लेते हैं कि ये तो उसके अंदर ना बेस्ट क्वालिटी की चीज है स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, जो जिसके ऊपर हम बात करेंगे, या फिर हम उस कंट्री के अंदर भी वो चीज देखेंगे, जो डेवलपमेंट को मापने का एक पैमाना होता है ना वो बहुत जरूरी है देश के अंदर। तो यूजली हम क्या करते हैं, टॉक ऑन वन मोर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, गुण किसी भी चीज का। हम किसी भी कंट्री का गुण ले लेंगे कि ये गुण इसके अंदर है, तब उसको हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं इन सेंस।
पर्सन जो है कंपेयर विद द बेस्ट ऑन द दीज करेक्टरिस्टिक्स, और उसी प्रकार एक पर्सन को भी हम जो है कंसिडर करते हैं, क्या उसके अंदर वो क्वालिटी है जो दूसरे पर्सन में वो ही चीज होनी चाहिए, वैसे कंट्री के बिहाफ में एक दो क्वालिटी हम उसमें से अडॉप्ट करेंगे, बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे उसकी। देयर कैन बी डिफरेंस अबाउट वट आर द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स शुड फ्रॉम द बेसिक, और जो कंपेरिजन हमें देता है फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो फॉर कंपेयरिंग की बात करें कंट्रीज में, देयर इनकम इनकम इज कंसिडर, देखो किसी भी, देखो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंट्री के अंदर भी, अगर उस कंट्री की, अगर किसी भी कंट्री की इनकम बहुत अच्छी है तो वह डेवलप्ड है, बहुत बढ़िया इनकम है उस कंट्री में तो वो डेवलप्ड है, जिसकी इनकम अच्छी नहीं है वो अंडर डेवलप है, बहुत सिंपल सी इसमें लैंग्वेज है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, सबसे विशिष्ट चीज क्या है इसके अंदर, इनकम। किसी भी देश में अर्निंग कितनी होती है, किसी भी देश के अंदर जो लोग हैं वो कैसे पैसा कमा रहे हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। कंट्रीज विद हायर इनकम एंड मोर डेवलपमेंट, देखो जिस कंट्री में जितने ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे, जितनी ज्यादा इनकम होगी उसके अंदर डेवलपमेंट भी ज्यादा होगी। अगर हम एग्जाम्पल उठा के देख लें कनाडा का, हम एग्जाम्पल उठा के देख लें ऑस्ट्रेलिया का, एग्जाम्पल देख लें यूएसए का, वहां के लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छी इनकम है, इट मीन्स क्या है, वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होगी। सो हम बात करें यहां पर, दिस इज द बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम जो है मीन्स मोर ऑल थिंग्स। देखो अगर इनकम ज्यादा है तो इंसान की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है कोई भी चीज को खरीदने की, ठीक है। अगर आज किसी के पास साइकिल है, अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है, कल वो बाइक लेगा, फिर वो गाड़ी भी ले सकता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन इनकम बींग्स नीड, वट एवर पीपल जो है शुड हैव देयर विल बी एबल टू गेट विद अ ग्रेटर इनकम। जो भी कुछ लोग करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो अपनी इनकम के बिहाफ भी करते हैं सारे लोग, ठीक है। अगर ग्रेटर इनकम होगी इट सेल्फ कंसिडर टू बी द वन इंपॉर्टेंट गोल, अगर इनकम अच्छी है तो वो अपने गोल को आसानी से अचीव कर लेगा जो भी बनना चाहता है लाइफ के अंदर। सो ये चीजें आपको इसमें देखनी है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री, अब कंट्री की जो इनकम है इंटुइटिवली क्या है कि उस कंट्री की जो इनकम है उसको हम कैसे मापें, कोई भी कंट्री को सर कैसे देखे कि वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, ये हमें पता करना चाहिए या पता करना पड़ेगा इसके अंदर चैप्टर में, हम कैसे सर उसको निकालेंगे। द इनकम जो है कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, क्या हम इसको इस तरीके से देखें कि जितने इनकम वहां के लोगों की रहने वाले हैं देश के अंदर, क्या सारों की जो इनकम मिलाकर क्या हम उसको टोटल इनकम मान ले, ये भी देखते हैं। चलो दे गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और इससे हमें पता लगती है कि टोटल कंट्री की इनकम कितनी है, बट एक और पैमाना है इसको मापने का इनकम्स को, ठीक है। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुलनेस सिंस कंट्री जो है हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस कंपेयरिंग। देखो अगर हम बात करें, अगर टोटल इनकम की बात करें, लेकिन पॉपुलेशन भी तो वैरी करती है। अगर हम बात करें रशिया की, हम बात करें खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हरियाणा जितनी है, ठीक है, अराउंड 2.5 करोड़। तो वहां के जो लोग ज्यादा प्रॉस्परस हैं, ज्यादा वो उनके पास फैसिलिटीज ज्यादा है, उनके पास डेवलप्ड वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू हरियाणा के लोगों के मामले, इंडिया के मुकाबले हम जो देश की कंपेरिजन करें तो। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकम जो है टेल अस अबाउट व्हेन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अगर हम पॉपुलेशन का पैमाना देखें, पॉपुलेशन में इंडिया ज्यादा है लेकिन इनकम में कम है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल हूं मैं आपको, तो वहां की पॉपुलेशन कम है और इनकम ज्यादा है उन लोगों की, तो पॉपुलेशन से तो हम इनकम को मेजरमेंट कर ही नहीं सकते इनडायरेक्टली, ठीक है। तो आगे हम बात करें, जो पीपल है वन कंट्री बेटर फॉर देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री, हेंस वी कंपेयर हम एवरेज इनकम। अब यहां पर कंसेप्ट आता है कि हमें ना किसी भी कंट्री को अगर डेवलपिंग या अंडर डेवलप बोलना है तो एवरेज इनकम निकालनी पड़ेगी हर एक व्यक्ति की। एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, इसमें बता रखा है जो टोटल इनकम होती है किसी भी कंट्री की, टोटल इनकम को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, वहां की पॉपुलेशन से, तब आती है हमारी एवरेज इनकम। एक व्यक्ति उस कंट्री में कितने पैसे कमाता है उसको बोलेंगे एवरेज इनकम। इसी को हम एक और वर्ड से जानते हैं, पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति आय, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमें यह पता लगता है कि वहां का जो एक आम व्यक्ति है वो कितने पैसे कमा रहा है, और कमाने का तरीका कैसे निकालने का क्या है इसमें, कि हम उसमें टोटल उसकी क्या लेंगे, इनकम लेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, उसकी जितने वहां लोग रहते हैं। हमें इस एग्जाम्पल भी समझेंगे इसका, वो एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं, ठीक है, एवरेज इनकम का, ठीक है। अब एवरेज इनकम को निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं दो कंट्री को। अब यहां पर कंट्री ए है और कंट्री बी है,
वहां पर कंट्री ए में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, और कंट्री बी के अंदर भी 5 ही लोग हैं, ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 रोमन नंबर में लिखे हुए हैं, 5 लोग हैं वहां पर। कंट्री ए के अंदर जो लोग हैं, एक व्यक्ति 9500 कमा रहा है, दूसरा 10500 कमा रहा है, तीसरा 9800 कमा रहा है, तो हर एक व्यक्ति जो है ना ऑलमोस्ट बराबर पैसे कमा रहा है, कंट्री ए की बात हो रही है। ये कंट्री ए है, और कंट्री बी में एक व्यक्ति 500 कमा रहा है, दूसरा भी 500 कमा रहा है, तीसरा भी 500 कमा रहा है, चौथा भी 500 कमा रहा है। तो इसकी एवरेज हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एवरेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल पांचों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे भाई, 50,000, ठीक है। और टोटल कितने हैं ये जो लोग हैं, ये 5 हैं, तो हम इसको काटें तो कितना बनेगा, 10,000, ठीक है। तो यहां से हमने निकाला कि एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपए कमा रहा है, ऑलमोस्ट एवरेज हमने निकाल दी इसकी। और एक जगह अगर आप यहां से निकालें कि यहां पर भी 50,000 ही बन रही है, 50,000 यहां बन रही है, और यहां भी एक व्यक्ति 10,000 रुपये एवरेज आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि यहां पर जो व्यक्ति है वो 500 रुपए वाले, क्या वो 10,000 कमा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो इसके अंदर एक लूप होल है, ये तो कमी है इस फॉर्मूले के अंदर, कि यहां पर आपने जो अमीर आदमी है इस कंट्री में वो 48,000 कमा रहा है, 48,000, तो हम उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते ना इस रेशो को, ठीक है। सो इसके अंदर एक कमी ये भी है, जब हम एवरेज इनकम निकालते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, या फिर जब उसकी पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो उसके अंदर कुछ डिस्पैरिटीज हैं, वो आती हैं, कमी आती है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि कंट्री जो ए है वो डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल इसमें दिख रहा है कि सभी लोग नॉर्मली सभी एक जैसे पैसे कमा रहे हैं, मतलब इस कंट्री के अंदर ना कोई रिच है और ना कोई पुअर है। जो कंट्री बी का एग्जाम्पल है, 4 लोग यहाँ पर 500 रुपए कमा रहे हैं, और जो पांचवा व्यक्ति है वो तकरीबन 48,000 कमा रहा है, तो ये रिच आदमी है। और एवरेज निकालें तो उसमें आता है कि हर एक व्यक्ति 10,000 रुपए कमा रहा है, तो ये तो हो नहीं रहा एक्चुअल में, फॉर्मूले में ये दिक्कत है, ठीक है। देखो इसके अंदर हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति ना कंट्री ए में रहना चाहेगा। अब कंट्री ए में क्यों रहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना नॉर्मली सभी एक जैसे पैसे कमा रहे हैं, और कंट्री बी के अंदर जो पैसे हैं सिर्फ एक रिच आदमी है, बाकी सब लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। सो ये जो इस कंट्री के अंदर ए में है, इसमें क्या है, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन है पैसों का, हर एक व्यक्ति के पास जो कमाई का साधन है या जो कमाई कर रहा है वो इक्विटेबल है, बराबर है सभी के पास। बट यहाँ पर क्या है, कंट्री बी के अंदर यहाँ पर जो पुअर है वो पुअर ही नजर आ रहे हैं, और जो पर्सन है एक्सट्रीमली रिच है वो, तो ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है इसके अंदर, मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है ना बहुत ज्यादा दिख रही है कंट्री बी के अंदर। कंट्री ए में सभी लोग बराबर दिख रहे हैं, और चाहते भी हम क्या है, सभी के पास इक्वल ऐसी हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए पैसे की, तभी वो चीजें काम करती हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको ए में नजर आ रही है, और नॉन डिस्ट्रीब्यूशन चीजें आपको बी में नजर आ रही है कंट्री के अंदर, ठीक है। ये हमने समझाया आपको एग्जांपल एवरेज इनकम का, ये एवरेज इनकम के अंदर लूप होल भी है, कमी भी है, कि हम एवरेज इनकम से अब जो अमीर आदमी है उसको भी हम एक काउंट कर रहे हैं, तो वो तो एवरेज में चला जाएगा नॉर्मली बैठकर। अब यहाँ पर दो फोटो इसमें नजर आ रही है आपको, इसमें दो चीजें आप देखो। अब एक व्यक्ति अभी इन लोगों ने क्या किया, चेयर बनाई, चेयर बनाने से क्या हुआ, 4 चेयर है इनके पास, 5 लोगों के नोट बैठा दिया चेयर के पास, मतलब यहाँ पर ना कोई रिच और ना कोई पुअर के एग्जांपल दिख रहा है इस कंट्री के अंदर। इस कंट्री में ना तो कोई अमीर है ना कोई गरीब है, बट इस आप पिक्चर को देखिए, यहाँ पर ये अमीर आदमी 4 चेयरों पर बैठा हुआ अकेला, लेकिन ये 2 चेयर है सिर्फ यहाँ पर, 4 लोग बैठे हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल है कंट्री विद रिच एंड पुअर, जहां पर रिच बहुत ज्यादा रिच है और पुअर बहुत ज्यादा पुअर है, ये आप देख सकते हो उसके अंदर। अब इन चेयरों को बनाया तो इन गरीब लोगों ने ही है, लेकिन बैठ कौन गया उसके ऊपर, अमीर आदमी, ठीक है। सो यहां तक हमने इस चीज को पढ़ लिया था, आगे हम करें, ठीक है, कि सर आपने ये तो बता दिया कि जो कंट्री है वो डेवलप्ड इन केस कैसे होती है, अंडर डेवलप्ड कैसे होती है, क्या कोई इसका कोई और तरीका है? तो मैं बोलता हूँ यस, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना वो कौन निकालता है, उसको निकालता है वर्ल्ड बैंक। और ये क्या बताती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक जो निकालता है वो ये बताता है, इसका क्राइटेरिया है यूज करने का, क्लासिफाई करने का कंट्रीज को। देखो कोई भी कंट्री ऐसे कैसे डिसाइड होता है कि वो रिच कंट्री है, तो इसका एक पैमाना डिसाइड कर लिया है उन लोगों ने, एक वर्ल्ड बैंक ने, कि जिस कंट्री की इनकम, एक व्यक्ति की जो आय है वो कितनी होनी चाहिए, तकरीबन यूएस डॉलर में है ये 12,056 डॉलर, ये अगर हम इंडियन रुपीज में आपको बताऊं तकरीबन 964
जीरो, तकरीबन 9,64,000 अगर आप सालाना कमा रहे हो यूएसए के अंदर, तो यूएसए की जो करेंसी में, तो आप डेवलप्ड नेशन में आते हो, ठीक है। और 2017 का डाटा है ये, तो इसको हम रिच कंट्री बोलेंगे। इन केस दो, अगर अगर दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, जो सबसे पुअर कंट्री है, अगर कोई भी कंट्री वेरी पुअर है तो वो कितने डॉलरों में कमाएगी, तो तकरीबन 955 डॉलर ही वो कमाते हैं, तकरीबन 76,000 अगर इंडियन करेंसी में आपको बताऊं। जो कंट्री 76,000 कमा रही है ऑलमोस्ट, वो रिच, वो पुअर कंट्री में आती है। और जो सबसे रिच अगर कंट्री, अगर किसी को कहना हो, अगर वो डेवलप्ड नेशन कहना हो उस कंट्री को, तो उसकी कमाई कितनी होगी एक व्यक्ति की, तकरीबन 9,64,000, 9,64,000। तो सर ये तो हमें पता लग गया कि गरीब कंट्री कौन सी होती है और अमीर कंट्री कौन सी होती है। अब जो बीच वाली कंट्री है, क्या इंडिया किस कंट्री में आता है? इंडिया आता है मिडिल में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडिया की कंडीशन कैसी है कैटेगरी में, लो मिडिल इनकम में आता है इंडिया। इंडिया में ना तो बहुत ज्यादा अमीर है और ना ही बहुत जो है बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा, पर कैपिटा जो इनकम 2017 के हिसाब से, 2017 के हिसाब से 1820 डॉलर है, मतलब एक व्यक्ति इतने पैसे कमाता है इंडिया के अंदर एक साल के अंदर, 1820 डॉलर, तो तकरीबन ये बनती है 1,45,000। एक साल में एक व्यक्ति पर कैपिटा इनकम इंडिया में कितनी है एक व्यक्ति की, 1,45,000, 1,45,000, ठीक है, एनुअली। तो इंडिया जो है, मैंने बताया आपको, ये मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आता है। एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। अब जो मैक्सिमली जिनकी आय बहुत ज्यादा है, जिनकी इनकम जिन कंट्री की बहुत ज्यादा है, वो डेवलप्ड कंट्रियाँ होंगी, जैसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये डेवलप्ड नेशन है, क्योंकि यहाँ के जो लोगों की इनकम है ना बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया के मुकाबले, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब इनकम के अलावा सर हमने पता करा कि सिर्फ इनकम होती क्या है, कैसे वो निकाली जाती है लोगों की, पर एवरेज इनकम कैसे निकाली जाती है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है। अब बता बात करेंगे हम इंडिया के बारे में। कोई भी स्टेट है, कोई भी कंट्री है, क्या सिर्फ हम उसको इनकम से ही नोटिफाई करेंगे कि वहां जाकर इनकम ज्यादा है तो वहां पर सारी चीजें फैसिलिटीज बहुत अच्छे से होंगी? ऐसा नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर इंडिया के एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो हमारे, हम मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट के ना दो सिनोनियम होते हैं, एक का मतलब होता है एस्पिरेशन, जो आपकी आकांक्षाएं होंगी, दूसरा आपके गोल, इच्छाएं, ठीक है। आप जिस भी, आप फाउंड दैट पीपल्स नॉट ओनली थिंक ऑफ द बेटर इनकम बट आल्सो हैव ए गोल। देखो इंडिया के अंदर ना इनकम ही सब कुछ नहीं है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, उसके अलावा आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए कंट्री के अंदर, ठीक है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए आप लोगों को, आप चाहते हैं कंट्री के अंदर। सिक्योरिटी होनी चाहिए आपकी और आपकी फैमिली की। इक्वली ट्रीटमेंट मिले आपको, फ्रीडम मिले सभी को, सभी के माइंड में आपके प्रति एक स्नेह हो, एक सम्मान हो, सभी लोग आपको सम्मान से देखें, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी खाई है अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में, उसको हमें भरना जरूरी है, ठीक है। सो थिंक ऑफ नेशन रीजन वी मे डिसाइडेड एवरेज इनकम, थिंक ऑफ, देखो एवरेज इनकम तो एक डिफरेंट जो है क्राइटेरिया है मापने का, बट रिस्पेक्ट एक अलग चीज है, वो भी जरूरी है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर कैपिटा इनकम दिखा रखी है हमारी कुछ तीन स्टेट की, और ये तीन स्टेट में पहले नंबर पे है हरियाणा, दूसरे पे है केरला और तीसरे पे है बिहार। इस पर कैपिटा इनकम ये दिखा रखा है कि सबसे ज्यादा जो अमीर लोग हैं वो किस स्टेट के हैं, जो एक साल में हरियाणा के लोग, एक व्यक्ति कितने पैसे कमाता है एक साल के अंदर, 1,62,034, 1,62,000 वो एक साल में कमाता है। उसी प्रकार केरला में कितने कमाता है एक व्यक्ति, 1,40,190। और सबसे कम कौन कमाता है पूरे इंडिया में, सबसे कम इनकम किस स्टेट की है, कहाँ के लोग सबसे बेहद गरीब हैं, तो वो है बिहार के लोग। ये सालाना सिर्फ 31,454 रुपीज ही कमाते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस आप देखो, ठीक है। हरियाणा 2011 का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ की जो सेक्स रेशो थी 8:79 थी, मतलब 1,000 लड़कों पर सिर्फ 8:79 लड़कियां थी, ठीक है। और जो केरला है उसका तो रेशो, सेक्स रेशो 1,000+ का है। हरियाणा में सबसे अमीर लोग रहते हैं और बिहार में सबसे गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। केरला भारत की सबसे लिटरेट स्टेट है, सबसे पढ़ी लिखी स्टेट है, लेकिन यहाँ ये जो सर्वे आप देख रहे हो इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आगे थोड़े से आंकड़े बदलने वाले हैं इस आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है। अब जिन लोगों के पास पैसा है, क्या उनके पास
हेल्थ भी अच्छी है, क्या वहां की एडुकेशन भी अच्छी है, वो हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, ठीक है। व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट्स बी, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर 1.3 टेबल दे रखी है, उसको हम पढ़ेंगे। देखो, इनकम जो हरियाणा की है, जो केरला और जो बिहार की, वो आपको दिखाई मैंने। एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर, अब ये कैपिटल नेट स्टेट के हिसाब से है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से, जो 2015-2016 में इसको डिनोट किया गया था। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एग्जैक्टली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, इसको छोड़ भी दो। पर कैपिटा इनकम को देख लो बस आप लोग, कि एक साल में जो व्यक्ति एवरेजली कितनी इनकम कमाता है, वो पर कैपिटा इनकम उसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब वी फाइंड दैट थ्री हरियाणा, अब हरियाणा भी है इसमें, जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, जहां के लोग सबसे ज्यादा रिच हैं, और बिहार के जो लोग हैं वो सबसे कम कमाते हैं, जो बॉटम में बैठा हुआ बिहार, बिल्कुल नीचे, ठीक है। सो दिस मीन्स ऑन एन एवरेज पर्सन, हरियाणा जो है वो कमाता है कितना, 1,62,034, 1,62,034 रुपीज एक हरियाणा का व्यक्ति कमाता है, ठीक है, एक साल के अंदर ऑन एवरेज, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो व्यक्ति है पैसे कमाता है, बिहार में सबसे कम। एज पर्सन बिहार की बात करूं, यहाँ पर ओनली अराउंड 31,454 ही व्यक्ति एक साल में पैसे कमा पाता है, ठीक है। कैपिटल जो इनकम होती है, टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, कितनी वहां की डेवलपमेंट है। अब हरियाणा में बहुत सारा जो पैसा कमाया जा रहा है व्यक्ति के द्वारा, तो वहां पर डेवलपमेंट भी जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। सो कंसिडर की बात करें, यहाँ पर मोस्ट डेवलप्ड जो है, एंड बिहार एज अ लीस्ट डेवलप्ड स्टेट। सिंपल सा हमने यहाँ पर फैक्टर निकाल लिया, मोस्ट डेवलप्ड हमारा यहाँ पर हरियाणा है और लीस्ट डेवलप्ड हमारा बिहार है यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ लेट अस लुक एट द सर्टेन्स अदर डाटा। अब यहाँ पर हम कुछ और डाटा पढ़ेंगे, टेबल किसमें, 1.4 के अंदर, ठीक है। ये तो हमने जान लिया कि सबसे जो है अमीर लोग हरियाणा में रहते हैं और सबसे गरीब लोग भारत में बिहार में रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक और डाटा आपको दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, थोड़े आप शॉक भी होंगे इस डाटा को देखकर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम कंपेयर करें यहाँ पर डाटा को, हरियाणा, केरला और बिहार का, तो यहाँ पर क्या नजर आता है कि यहाँ पर कुछ मैं आपको बेसिक टर्म समझाऊंगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होती है। इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो नीचे लिखी हुई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि एक साल के अंदर अगर 1,000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उनमें से 1 साल के अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर एक साल के अंदर, 2016 का डाटा ही दिखा रहा हूं मैं आपको, 33 बच्चों की डेथ हो गई। वो किसी भी कारण से हो सकती है, या तो प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है। हमने समझा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, 7 साल से, 7 ईयर या 7 ईयर से ऊपर का जो भी बच्चा है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी रेशियो बतानी है आपको, कितने लिटरेट लोग हैं वहां पर। पढ़ाई लिखाई का मतलब, लिटरेट का मतलब ये होता है वो पढ़ना जानता हो, वो लिखना जानता हो, किसी भाषा को और समझना जानता हो, उसको लिटरेट बोलते हैं, 7 या 7 साल से ऊपर का बच्चा, ठीक है, वहां पर लिटरेसी रेट कितना है। तीसरा नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब वहां पर जिस ग्रुप में, आप बच्चों की ग्रुप बता रहा हूँ मैं, 14 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं या उनसे ऊपर के बच्चे कितना स्कूलों को अटेंड कर पा रहे हैं, वो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, ठीक है। हरियाणा के अंदर 2016 के अंदर 1,000 बच्चे पैदा हुए, एग्जाम्पल ले रहा है यहाँ पर, तो उनमें से 33 बच्चों की डेथ हो गई किसी भी कारण से। और 2011 में हमने देखा कि हरियाणा में जो है लिटरेसी रेट कितना है, 82% है, और वहां पर जो बच्चे हैं क्लास अटेंड करते हैं 61 है बस, जो 14-15 साल की उम्र में आते हैं, ठीक है। और केरला का सबसे कम है यहाँ पर, सिर्फ 10, मतलब वहां पर जो बच्चों की मरने की जो है ना तादाद है, बहुत कम है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर बिहार की है, ओबियसली होगी भी, क्योंकि वो सबसे गरीब स्टेट है, वहां पर न्यूट्रिशन प्रॉपर, उन लोगों को एडुकेशन, हेल्थ सर्विसेज प्रॉपरली नहीं मिल पा रही होगी, ये कारण हो सकते हैं। लिटरेसी रेट बात करें दुनिया, भारत में तो 94% है केरला का, जो सबसे ज्यादा है सभी स्टेटों के अंदर, और बिहार का सबसे कम है 62%, और 83% जो बच्चे हैं केरला के अंदर 14-15 साल के जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली स्कूल अटेंड करते हैं, 83%, बहुत बड़ी रेशियो है ये, बहुत बड़ी परसेंटेज है ये। और मात्र 43% बिहार के अंदर
14-15 साल के जो बच्चे होते हैं, सिर्फ 43% ही बच्चे स्कूलों को अटेंड कर पाते हैं। बाकी सब लोग, वो बच्चे कहाँ जाते हैं ये डाटा में उन्होंने नहीं बता रखा। ठीक है, अब आपको चीजें समझाई मैंने आपको इन, अब यहाँ पर आप ये एक चीज नोटिस करना, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा जो है ना सबसे ज्यादा प्रॉस्पीरियस स्टेट है, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला स्टेट कौन सा है, हरियाणा, जिसका पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं। लेकिन फिर भी वहां की जो है कंडीशन कैसी है, अब यहाँ का हेल्थ रेशो देख लो, हेल्थ रेशो भी केरला, केरला कम है हरियाणा से लेकिन फिर भी है, केरला का उससे बढ़िया है। एजुकेशन के मामले में देख लो केरला को, वो भी तब भी टॉप पे करता है केरला इस बारे में। और दूसरा नेट अटेंडेंस रेशो में देख लो, तब भी केरला टॉप पे है। केरला के लोग बेशक बहुत सारा पैसा ना कमा रहे हो लेकिन वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सा क्लियर है, जो स्टेट सबसे रिच है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर हेल्थ फैसिलिटीज ही बहुत बढ़िया होंगी, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी स्टेट की, वहाँ का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो ये कुछ टर्म्स हमने इसके अंदर समझाई आपको। ठीक है, अगर आपको ये चीजें यहां तक समझ में आई है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।